नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन दोस्तों एक केमिकल सेक्टर में 6.77 के आसपास की जो है अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि ये अकेली जो कंपनी है 70% फ्लूरिन का बिजनेस जो है इंडिया का, वो अकेली ये कंपनी कर रही है दोस्तों। और न्यूज़ क्या है दोस्तों, वो है 800 करोड़ का जो इनका मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये जो है एग्रोकेमिकल में जो है एंट्री ले रही है ये कंपनी दोस्तों। तो न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि जो ये कंपनी है वो है दोस्तों नवीन फ्लूरिन। इसने अनाउंस किया है कि भाई 800 करोड़ के साथ जो है ये एग्रोकेमिकल के अंदर जो है एंट्री ले रही है ये कंपनी, ठीक है। इसी के साथ इसमें जो है 6.77% के आसपास जो है इसमें इंक्रीज आज ही के दिन प्रॉफिट देखने को मिला है। एकदम से जो है ये स्टॉक भागते हुए नज़र आया। यदि बात करें, इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10-15% का जो है प्रॉफिट कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा दोस्तों। और फिलहाल जो इसका स्टॉक प्राइस है दोस्तों वो है 4,264 रुपये के आसपास, जो कि यदि बात करें आज ही के दिन 6.77% का जो है अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। न्यूज़ क्यों तो मैंने दिखाई दिया दोस्तों। अब देखेंगे इसमें CAGR जो लास्ट 10 सालों से या 5 और 3 सालों से दे रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो आज तक किसी ने जो 5 साल में जो रिटर्न दिए दोस्तों 650% के जो है रिटर्न दिए नवीन फ्लोरिन ने। और इसमें का जो नया प्लांट है वो 800 करोड़ के साथ नया जो एग्रोकेमिकल के बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि अच्छा खासा ये जो है आपको अर्निंग कर कर के देगा दोस्तों। यदि बात करें बिजनेस की तो 70% अकेला फ्लोरिन का बिजनेस अकेली ये इसी कंपनी के पास है। और यदि बात करें इसके CAGR की तो वो भी दिखा देता हूँ कि ये लास्ट जो है 10, 5 और 3 सालों में क्या जो है कंपाउंडिंग दे रही है दोस्तों। आप देखोगे ये स्टॉक है स्ट्रॉन्ग है। यदि बात करें 10 साल की कंपाउंडिंग की तो 53% की कंपाउंडिंग के साथ चल रहा है, और 5 साल की 52% की, और 3 साल लास्ट 3 सालों का 80% का जो है कंपाउंडिंग है CAGR है। 1 साल की बात करें तो 58% की कंपाउंडिंग है दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं दोस्तों कि क्या आ रहे हैं। 2018 में 180 करोड़ का बिजनेस था दोस्तों, प्रॉफिट थे नेट। उसके बाद 2019 की बात करें तो 149 करोड़ के प्रॉफिट, उसके बाद 409 करोड़ के, उसके बाद 2021 की बात करें अभी तक 258 करोड़ का इनका बिजनेस हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है। यदि बात करें अभी तक तो 253 का जो है करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसका रिजर्व कितने हैं इस कंपनी के पास। तो रिजर्व आप देखोगे तो 1714 करोड़ के इसके पास रिजर्व में सेविंग में पैसे, और बोरोइंग की बात करें तो 19 करोड़ का कर्जा भी इस कंपनी के पास। यदि कर्ज की बात करें तो रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। यदि होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है किसकी है, तो आप देखोगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों 30% की, FII की 26% की होल्डिंग है। FII ने जो है इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया और होल्डिंग अपनी जो है मजबूत कर ली है, ज़्यादा कर ली दोस्तों। DII की बात करें तो डिक्रीज कर रही है DII इसमें होल्डिंग 15% के आसपास DII की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 28% की पब्लिक होल्डिंग भी इसमें है दोस्तों। यदि कंपाउंडिंग की बात करें तो अच्छी खासी कंपाउंडिंग के साथ ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। लास्ट 10 सालों की देखें तो 53% की कंपाउंडिंग के साथ CAGR के साथ ग्रोथ दे रहा है। यदि आने वाले 5-10 सालों की बात करें तो अच्छा खासा आपके जो है आपके प्रॉफिट को अच्छा खासा ग्रोथ देगा दोस्तों। तो ये थी आज की न्यूज़, क्योंकि इसके जो 800 करोड़ का इनका जो है न्यू बिजनेस में एंट्री ले रही है और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, तो इसमें जो है आज ही के दिन 6.77 के आसपास जो है ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये थी न्यूज़ नवीन फ्लूरिन के बारे में। आने वाले टाइम में देखिएगा ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्योंकि इसके पास रिजर्व भी अच्छे खासे और लगातार जो है प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।